जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं जहां पर बरसों बरस से लोगों का इंतजार था, बेंगाबाद पंचायत के फुरसुडी गांव में शमशान शेड की, जिसका निर्माण के लिए लगातार यहां के ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की लापरवाही से यह बन नहीं पाया था। लेकिन इस बार जिला परिषद सदस्य शोभा मंडल के द्वारा, उनके कोटे के द्वारा यहाँ पर शमशान शेड निर्माण होने की मंजूरी मिल चुकी है और जो बस आज मापी और सीमांकन भी हो चुका है, इसका कार्य जल्द ही शुरू होगा। इसमें ग्रामीणों में काफ़ी खुशी की लहर है। बताते चले कि जो आप देख रहे हैं मिट्टी से जो बना हुआ रोड इधर बनाया गया है, इसमें ग्रामीणों के द्वारा श्रमदान करके, ग्रामीणों के द्वारा निजी खर्च पर यहाँ पर कार्य कराया गया है, जो काबिले तारीफ़ है, सराहनीय कदम है। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार भी यहाँ बोला गया था कि शमशान शेड का निर्माण हो, लेकिन निर्माण नहीं हो पाया था। लेकिन इधर जिला परिषद को जब यह सूचना मिली, बेंगाबाद पंचायत उपमुखिया के द्वारा लगातार उनको कहा गया, ग्रामीणों के द्वारा कहा गया, तो उन्होंने सैंक्शन और मंजूरी दी है और उनका निर्माण जल्दी होने वाला है। यहाँ पर ग्रामीण जो देख रहे हैं आप, बंधु मंडल, कट्टी मंडल, वासुदेव सिंह, पाचू मंडल, सोहन सिंह, थामी मंडल, सुरेश मंडल, राजेंद्र मंडल, सुरेश जी, सिकंदर जी, जो हमेशा मतलब इस कार्य में लगे रहते थे और छुप रहते हैं, और सुरेश जी का यह योगदान था जो दोनों मिल करके यहाँ पर रोड निर्माण करवाया है। लोगों को यहाँ गाड़ी आने जाने में काफ़ी दिक्कत होता था, अब मोटरसाइकिल से हम लोग आ जा रहे हैं, बस मारुति और चार पहिए का भी अगर आगमन यहाँ तक हो जाता है उसके लिए भी व्यवस्था होगी, होनी भी चाहिए। अब ग्रामीणों का कहना कि शमशान शेड बन जाएगा लेकिन रास्ता एक बार बढ़िया मुकम्मल हो जाए जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर कर रहा था। सिकंदर जी से थोड़ा पूछना चाहेंगे, पहले आप लोग मिट्टी वगैरह काम करवाएं भैया जी, निजी खर्च पूरे ग्रामीण के द्वारा मिल करके? अच्छा, अभी सड़क वगैरह तो है नहीं इसमें, इधर सड़क के लिए क्या करना चाहेंगे? पूरा बना दिया, यहाँ पूरा बना हुआ, पूरा गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पा रहा है ना, गाड़ी आ नहीं पा रहा, थोड़ा बहुत मेहनत लगा हुए हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तो ये जो शमशान सेट बन रहा है तो इसमें कैसा लग रहा है आप लोगों को? खुशी महसूस कर रहे हैं ना, बरसों से मांग था, अब तो तमन्ना पूरी हो गई है। निश्चित रूप से ग्रामीणों में एक खुशी और उमंग है क्योंकि शमशान सेट की यहाँ पर सख्त जरूरत थी, वो अब निर्माण होने ही वाला है। निश्चित रूप से उस जनप्रतिनिधि को जिन्होंने यह मंजूरी दी है शमशान शेड के लिए और वो टेंडर जो लिया है संवेदक को, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएनबी भी कामना करती है कि बेहतर तरीके ढंग से पूरे गुणवत्ता के साथ शमशान शेड का निर्माण करे ताकि आने वाले लोग जो यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आते हैं उनको दिक्कत नहीं हो, उनको सुविधा मुहैया हो, यह बीएनबी भी चाहती है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। वर्षों से ग्रामीणों को था शमशान शेड निर्माण का इंतजार, वह इंतजार अब खत्म हुई। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद पंचायत के फुरसुडी गांव का, जहां लगातार कई वर्षों से ग्रामीणों का यह मांग था कि वहां शमशान शेड निर्माण का नितांत आवश्यक है। वहीं बेंगाबाद पंचायत के उपमुखिया छबिया देवी ने अपने वरीय जनप्रतिनिधियों को सूचना देकर के अविलंब और शमशान शेड निर्माण की मांग की थी। इधर गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद सदस्य शोभा मंडल ने निर्माण कार्य की अनुशंसा की है और पता चल रहा है कि जिला परिषद के द्वारा शमशान घाट का हो गया है, टेंडर भी निकला है, क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? बरसों से ग्रामीण इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे गांव में भी शमशान शेड बने। बड़ी खुशी की बात है, जिला परिषद जी ने सुध ली इनकी और हमारे गाँव में आज बन रहा है, बनने को तैयार सारा है और अच्छी क्वालिटी के साथ बने, अच्छी गुणवत्ता के साथ बने और बढ़िया बने। हम सभी ग्रामीण इसके लिए सामाजिक संस्थान या जिला परिषद कहिए उसका धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। ये शमशान घाट बनने जा रहा है आपके गांव में, बहुत दिन वर्षों से इंतजार था, क्या कहना चाहेंगे सुरदा? एक नंबर काम हो रहा है, अगर कर रहा है हमारा जिला परिषद तो बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद दे रहे हैं। ये शमशान शेड निर्माण होने का प्रक्रिया जारी हुआ है, आज से बताएंगे इस बारे में। यहाँ फुरसोडी में शमशान घाट बनना है जिला परिषद मत से, जिसका हम लोगों ने इस टेंडर के माध्यम से लिया है और प्रयास रहेगा कि बेहतर तरीके से और अच्छे क्वालिटी से यहाँ पर हम काम करें ताकि यहाँ का जो जनता है वो सभी खुश रहे। इस संवेदक कौन है इसका? संवेदक इसमें सुनील कुमार यादव जी हैं। अच्छा, और हम पर सुनील जी मिलके
दोनों आदमी काम कर रहे हैं इसमें। बाकी जिला परिषद कोटे से निर्माण होने का है? जिला परिषद कोटे से निर्माण हो रहा है और टेंडर इसका पूर्व में हो गया था जी, जो कि कोरोना के चलते काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है शुरू होगा। थैंक यू जी। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रुबी और आप देख रहे बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। तो लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।